हाँ भाई, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है बच्चों? तो आज ये दिन से 30 नवंबर को आपको 21/90 21/90 बायोलॉजी का गुरु नीति का अगला वीडियो मिलने जा रहा है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। डाइजेशन के दो टॉपिक वाइज हमने क्वेश्चन 96 आपको प्रोवाइड करवाया। रेस्पिरेशन का फर्स्ट पार्ट पहले हो गया था और ये वाला सेकेंड पोर्शन रहेगा। जितेंद्र सर, इस बार तो दीपावली भी निकल गई, सेशन भी आप देखो नजदीक आने वाला है और बच्चे इस बार नो डाउट ऑनलाइन जो अपनी क्लासेस थी ना, इनको इतना शानदार तरीके से एंजॉय कर गए घर पे। बहुत सारे बच्चे तो ये कह रहे हैं कि ना ऑनलाइन ज्यादा बेटर हो रहा क्योंकि हमें कुछ डिस्टर्बेंस वगैरह भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर कहें तो ऑनलाइन ऑफलाइन का रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उनको पता नहीं लगा। हाँ, क्योंकि इतनी शानदार तरीके से अपना इंस्टीट्यूट इतना शानदार तरीके से मेहनत कर गया और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, नो डाउट हमने भी कल्पना नहीं की थी कि फर्स्ट टाइम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाने जा रहे हैं और इतना शानदार तरीके से कर जाएंगे। मतलब ऑफलाइन में जैसे उसी शेड्यूल से अपनी क्लासे होती थी, प्रॉपर टेस्ट का होना, उनका सॉल्यूशन होना, वही चीज अपनी ऑनलाइन में भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस लॉकडाउन के दौरान जो सीएलसी के द्वारा काम किया गया है, आपदा के समय सीएलसी किस प्रकार निकली है, अगर कोई राजस्थान के बाहर का बच्चा देख रहा हो तो मैं बताऊं, हिंदुस्तान के ऑल इंडिया रैंक की अगर मैं बात करूं तो टॉप 3000 बच्चों में 49 सीएलसी ने जितेंद्र सर अपने आप में एक कीर्तिमान है। और ऐसे ही अगर आईआईटी की बात करें तो सीकर शहर में जो टॉप 2000 बच्चे हैं ऑल इंडिया रैंक टॉप 2000 में 6 बच्चे जो हैं वो हाईएस्ट हैं, फिर से सीएलसी में हाईएस्ट हैं। तो अपना प्री फाउंडेशन का टॉपर सीएलसी से, मेडिकल के 49 बच्चे जो हैं टॉप 3000 में, और ऐसे ही जेई की अगर बात करें तो फिर से अपना हाईएस्ट है। तो नो डाउट आप एक बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। पिछले 24 साल से कार्यरत ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो संस्था है, ये बच्चों के लिए, केवल और केवल बच्चों के लिए काम करता है। केवल एक कॉर्पोरेट कल्चर यहाँ नहीं चलता है, जो कोटा जैसे मार्केट में अवेलेबिलिटी आपको मिलेगी। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं। रेस्पिरेशन का सेकेंड पार्ट रहेगा। फर्स्ट पार्ट में अपने 50 क्वेश्चन बच्चों को प्रोवाइड करवा दिए थे। ठीक है, तो यतीन सर चालू करें। जी बिल्कुल। तो मैं सुनील सोरान, जूलॉजी फैकल्टी सीएलसी सीकर। मैं यतीन्द्र उपाध्याय, जूलॉजी फैकल्टी सीएलसी सीकर। थैंक यू, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, व्हेन ए सी डाइवर गोज वेरी डीप। एक सी डाइवर है यतीन्द्र जी, जो समुद्री गोताखोर जिसे अपन कहते हैं, वो बहुत ज्यादा गहराई में चला जाता है। ही हैज टू ब्रेथ ऑन कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेस्ड एयर में वो ब्रेथ करता है। अब बच्चों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बता दूं ये कंप्रेस्ड एयर क्या होती है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लें। एट हाई प्रेशर, ठीक है, आफ्टर सम टाइम ही फील ड्राउजी एंड फैटिग, थकान आ जाती है, बेहोशी सी उसको आने लगती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ फैटिग, इस थकान का कारण क्या रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंप्रेस्ड एयर की कंपोजिशन की यतीन्द्र सर बात कर लें तो 78% इसमें नाइट्रोजन कहलाता है, मतलब नाइट्रोजन मैक्सिमम। बिल्कुल बिल्कुल। और 22.8% इसमें ऑक्सीजन कहलाता है और बाकी अदर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सी डाइवर जब इस समुद्र में गहराई में पहुंचेगा तो इसको हाई प्रेशर के ऊपर जो है इसके द्वारा ही अपने ब्रीथिंग को, रेस्पिरेशन को जो है वो कंडक्ट करवाना होगा। मोर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन पाई जा रही, तो नो डाउट जब वो ब्रीथ इन करेगा तो उस दौरान जो है नाइट्रोजन का अमाउंट भी ज्यादा है, बॉडी के अंदर भी ज्यादा है, और नाइट्रोजन एल्वियोलाई पहुंचेगा तो डिफ्यूज होकर वो कहां पहुंचेगा, ब्लड का पार्ट भी बनेगा। और ये जो नाइट्रोजन पहुंचा है तो ये जो कंडीशन होती है जिसमें डीप सी में ये ब्रेथ करते हैं, इसको हाइपर वेंटिलेशन, एक टर्म है बच्चों, ये हाइपर वेंटिलेशन कहा जाता है। और हाइपर वेंटिलेशन से तात्पर्य ये है कि बॉडी के लिए अवेबिलिटी जो है गैसेज की, वो अवेबिलिटी जो है ज्यादा देर तक किस प्रकार सांस रोक कर रखा जा सकता है, वो इस हाइपर वेंटिलेटी कंडीशन में देखा जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा रीजन हो जाएगा, नर्व सिस्टम वर्क नहीं करेगा, नहीं इसका तो कोई फंक्शन ही नहीं है, नर्व सिस्टम तो प्रॉपरली काम करता ही रहेगा क्योंकि सेंसेशन प्रॉपरली काम करेंगे इंडिविजुअल के। मोर CO2 डिफ्यूजन इनटू द ब्लड, CO2 ज्यादा डिफ्यूज होगी, नहीं वो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही थी अपनी नॉर्मल कंडीशन में चलती है वैसे ही यहां भी होगी, तो CO2 का इफेक्ट नहीं। मोर नाइट्रोजन डिफ्यूजिंग इन टू द ब्लड एंड दी बॉडी फैट, बिल्कुल, क्योंकि कंप्रेस्ड एयर में मैक्सिमम क्या पाया जा रहा है, नाइट्रोजन ही। तो आंसर भी अपना कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। नाइट्रोजन जो है वो 5 times ज्यादा सोल्यूबल कह सकते हैं अपन, बिल्कुल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस रिस्पेक्ट में, ठीक बात है, जल्दी सोल्यूबल वो हो जाती है ना, जब नीचे की तरफ वो जा रहा है आदमी तो हाई प्रेशर के साथ जो गैसेज वो अंदर जा रही है, ठीक बात है, वही फिर अंदर जाके टिश्यू वगैरह में भी डिजोल्व हो जाता है, जो
ऊपर की तरफ हो जाता है सुनील जी, तब डीकंप्रेशन तेजी से अगर हो जाए होगा, फिर वो जो गैसेज है वो टिश्यू फ्लूइड में आ जाती ठीक है, बबल वगैरह का फॉर्मेशन बाय चांस मान लो हो जाए, तब आदमी को काफी पेन वगैरह फील होता है, उससे ये सब कंडीशन हो सकती है। तो बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपने एक्सप्लेन किया, नंबर जो थर्ड है वो इसका एप्रोप्रिएट आंसर चला जाएगा। और अगर नॉर्मल ब्रीथिंग की टेरेस्ट्रियल कंडीशन में अगर बात करें, तो वहां पर नाइट्रोजन जो है वो एल्वियोलाई से ब्लड में नहीं पहुंचती है। इसका परफेक्ट लॉजिक क्या कहलाएगा, जितना पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का ब्लड में है, एग्जैक्ट पार्शियल प्रेशर जो है वो इनहेल्ड एयर में भी पाया जाता है। इसलिए नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान जो है नाइट्रोजन का एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ अगर बात करें 78% नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन भी किसका पार्ट बनेगी, ब्लड का पार्ट बनेगी, क्यों फ्यूज हो जाएगी। बिल्कुल, चले आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा जी सर। Which of the following option is incorrect, पूछ रहा है किसके रेस्पेक्ट में, लैरिंक्स जो अपना वॉइस बॉक्स है ना, और इसके अंदर अपन ने डिस्कस किया कि इसका मैक्सिमम पार्ट जो कार्टिलेजिनस कार्टिलेजिनस है और मैक्सिमम हाइलाइन कार्टिलेज, एक जो इसके अंदर है आपकी येलो फाइब्रस भी हो सकती है, जैसे आपका एपिग्लोटिस की अगर बात करें, और एक और कार्टिलेज जैसे ना, तो वो भी आपकी जो है येलो फाइब्रस हो सकती है, तो ज्यादातर ये जो है कार्टिलेजिनस है, और यहाँ पर लिखा है कि ये बोनी बॉक्स है, तो ये वाला जो है इसमें रॉन्ग हो जाएगा, इट इज कार्टिलेजिनस बॉक्स ये कहलाता है, और लैरिंक्स की जो ओपनिंग है वो ग्लोटिस कहलाती है, जो एपिग्लोटिस से कवर हो जाती है, ये वाला सही। और जब भी फूड को निगलते हैं तो यहाँ पे लिखा भी है कि एपिग्लोटिस जो है वो प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री को लैरिंक्स में, तो ऑल ऑफ दिस तो नहीं हो सकते, तो इनकरेक्ट पूछ रहे तो फर्स्ट हो जाएगा। और बच्चों अगर यहाँ दिया हुआ होता इट इज ए कार्टिलेजिनियस बॉक्स, तो फिर आंसर क्या चला जाता, फिर आंसर इनकरेक्ट कौन सा हो जाता, ऑप्शन नंबर 3 हो जाता, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी ने कहा है ड्यूरिंग स्वलोइंग ऑफ फूड एपिग्लोटिस कैन क्लोजेज दी, किसको, ग्लोटिस को ये कवर कर लेता है, तो कैन वर्ड वहां पर काम में लिया गया, कैन मतलब कर भी सकता है, और कभी कभी अपन निगलने के समय अगर बोल जाते हैं तो उस समय कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो एंटर भी कर जाते हैं ट्रेकिया में, तो उस कंडीशन में फिर आंसर ये वाला चला जाता, लेकिन यहाँ पर कैन वर्ड नहीं लगाया, कोई बात नहीं, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, लेकिन ये वाला तो परफेक्टली ही रॉन्ग हो गया, इसलिए आंसर कौन सा चला गया, फर्स्ट चला जाता है। तो बच्चों को एक बार लैरिंग्स का थोड़ा सा आइडिया बता दे, पहले नहीं बताया अपन ने, तो लैरिंग्स की अगर बच्चों बात करें तो लैरिंग्स में ये वाली कार्टिलेज, मैं आपको वेंट्रल साइड से लैरिंग्स दिखा रहा हूँ, ठीक है, फ्रंट ऑफ यू, हाँ, ये वाली जो कार्टिलेज होगी सबसे बड़ी कार्टिलेज, इसे थायराइड कहा जाता है, इस टाइप की कार्टिलेज कहलाती है, और डोर्सल साइड से अगर देखना चाहो तो ये इनकम्प्लीट कहलाती है, ठीक है, तो ये सी शेप की कार्टिलेज हो गई, यहाँ की सबसे लार्जेस्ट कार्टिलेज भी कहलाती है। इसी के ठीक नीचे जो है अनदर कार्टिलेज एक प्रेजेंट होती है, जिसका ब्रॉड पार्ट तो किधर होता है, वेंट्रल साइड की, और नैरो पार्ट किधर कहलाता है, पीछे की ओर, सिग्नेट रिंग शेप की कार्टिलेज कहलाती है, कंप्लीट होती है, बिल्कुल कंप्लीट होती है, और इसको कार्टिलेज कौन सी वाली होगी, ये थायराइड है, ये क्रिकोइड कार्टिलेज, बिल्कुल, क्यों, इसके नेक्स्ट आपका और ट्रेकिया स्टार्ट हो जाएगी, हाँ, नीचे की ओर ट्रेकिया चालू हो जाएगी, ये जो क्रिकोइड है इसके ठीक पीछे की ओर, आप वाले मार्कर की नीड चाहूंगा मैं, जी जी बिल्कुल, तो इस टाइप की दो पिलर शेप कार्टिलेज जितेंद्र सर अरेटिनोइड अरेटिनोइड कहलाती है, उनके ऊपर, और ये जो ऑर्बिकुलेट ऑफिक यूनिफॉर्म, हाँ, तो इस मार्कर का ये जो ऊपर वाली टिप आपको दिखाई दे रही है, ये मार्कर तो क्या बन गया, अर्टिकुलर कार्टिलेज, और अर्टिकुलर के ठीक ऊपर कौन सी हो जाती है, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, जिसे कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी के नाम से भी जाना जाता है, और एक क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज और होती है, ये क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज क्या करेगी, अगर इसी लैरिंग्स को मैं लेटरल साइड से आपको दिखाऊं, ये सर, तो लेटरल साइड से अपने को कुछ इस प्रकार का ये लैरिंग्स अपने को दिखाई देगा, ठीक है, ये ऊपर अपना एपिग्लोटिस हो जाएगा, ये पीछे की ओर अपनी कौन सी होगी, पिलर शेप की कार्टिलेज कहलागी, ये नीचे की ओर कौन सी कहलागी, क्रिकोइड होगी, ये अरेटिनोइड कहला जाती है, इन अरेटिनोइड के ऊपर ढक्कन के जैसी स्फेरिकल कार्टिलेज कौन सी, कॉर्निकुलेट या कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। अब इन अरेटिनोइड और एपिग्लोटिस को कनेक्ट करने वाली एक कार्टिलेज और प्रेजेंट होती है, वन पेयर ऑफ कार्टिलेज जो दोनों अरेटिनोइड से जुड़ती है, इधर एपिग्लोटिस से जुड़ती है, इसको क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज के नाम से जाना जाता है। इसे पूछ सकते हैं इन दोनों को आपस में कौन सी कार्टिलेज जोड़ती है, बिल्कुल, तो यतिन सर ये तो होगी अपनी एपिग्लोटिस, ये होगी अपनी थायराइड, ये होगी अपनी क्रिकोइड, और ये तीनों ही अनपेयर्ड है, बिल्कुल, ये सिंगल कहलाती हैं, ये दोनों यतिंद्र सर क्या उनसे लेबल कर दें, ये आपकी एरेटिनोइड, एरेटिनोइड, और ये कॉर्निकुलेट, ये कॉर्निकुलेट, और वो क्यूनिफॉर्म दो हो जाएंगे, ये कॉर्निकुलेट हो गई, और ये कौन सी कहलाएगी, क्यूनिफॉर्म, तो ये तीनों ही जो सबने बताई, आर्टिनोइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म, ये पेयर्ड हो गई, ये पेयर की फॉर्म में हो जाती है, ठीक है।
एपिग्लोटिस की नेचर जो है ये इलास्टिन कहलाती है, जो यतिन सर ने बताया था येलो फाइब्रस, ठीक है, तो ये इलास्टिन होती है। इसके अलावा थायराइड जो है हाइलिन है, क्रिकोइड हाइलिन है, अरेटिनोइड का लोअर पार्ट तो हाइलिन है लेकिन अपर पार्ट कैसा हो जाएगा, वो इलास्टिन नेचर का हो जाएगा। ऐसे कॉर्निकुलेट जो है वो कैसी हो जाती है, इलास्टिन हो जाती है, क्लियर। तो ये इनकी नेचर बन जाती है। चले आगे, तो ये बच्चों सेकंड क्वेश्चन लैरिंग्स के बारे में भी आपको डिटेल से बताया गया। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स टेक प्लेस बाई, और एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में एक्सचेंज की अगर बात करें तो ये कैसा, ये एक सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन है जो पार्शियल प्रेशर जो है उस पर डिपेंड करेगा ना, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन, और ऐसा एनसीईआरटी ने बोला भी, ये प्राथमिक रूप से किस पर डिपेंड करता है, गैसेज के पार्शियल प्रेशर के ऊपर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी लिखा, हाँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये भी आप काम में ले सकते हैं बिल्कुल, ये टर्म भी। तो पार्शियल प्रेशर वैसे अपने बच्चों को पहले बताया भी था और यहाँ भी बता दें, एक मिक्सचर ऑफ गैसेज में किसी पर्टिकुलर गैस के प्रेशर की अगर बात करें तो वो पर्टिकुलर गैस का प्रेशर उसका पार्शियल प्रेशर, जिसे अपन ब्रीथिंग के दौरान PO2 और PCO2 बोलते हैं, क्यों जी? तो आंसर कौन सा चला जाएगा, सिंपली सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि एक्टिव होगा नहीं, ऑस्मोसिस अपन गैसों के लिए यूज नहीं करते, गैसों के लिए नहीं होगा, ये डिफरेंट मेथड है न्यू पैसिव के अंदर, वो सिंपल ट्रांसपोर्ट होता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो करेक्ट आंसर होगा सिंपल डिफ्यूजन। नेक्स्ट फॉर जी सर, हेल्डेन इफेक्ट के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है ना, और फिर लिखा है कि हेल्डेन इफेक्ट प्ले मोर इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट दैट ऑफ वॉर इफेक्ट इन प्रमोटिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बिकॉज, क्योंकि जो हेल्डेन इफेक्ट सुनील जी है लंग्स लेवल पे अपन कह सकते हैं हो रहा है, ठीक है, और जैसे ही इम्प्योर ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ जाता है तो उस ब्लड के अंदर जो है आरबीसी के अंदर बाइकार्ब आता है और आरबीसी के अंदर से प्लाज्मा में क्लोराइड जाता है, ठीक है। अब वहाँ जब ये होगा तो उसी दौरान जो हीमोग्लोबिन है उसका ऑक्सीजनेशन भी होता है, बिल्कुल होता है, और जब भी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ता है तो वो हीमोग्लोबिन H+ रिलीज करता है, जिसे हीमोग्लोबिनिक एसिड कहते हैं पहले तो, ठीक है, इसको HBO2 के नाम से जाना जाता है, हीमोग्लोबिनिक एसिड क्या बनता है, HBO2 कहलाता है, और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो रेडिली क्या लूज आउट कर दे, H+ को लूज आउट कर दे, तो अपन कह सकते हैं कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन की नेचर एसिडिक है तो वो H+ रिलीज कर देता है, ठीक है, और वो H+ जो आरबीसी के अंदर बाइकार्ब आया है उसके साथ जुड़ेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेट से और वो कार्बोनिक एसिड और फिर H2O CO2 में चेंज होता है, CO2 डिफ्यूज हो जाएगा लंग्स की तरफ, बिल्कुल। एक और तरीका है, एक तो इस तरीके से CO2 को लंग्स की तरफ मूव करवाया और एक आरबीसी के अंदर 20-25% CO2 कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में भी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, तो उस CO2 वाली स्टेट जो हीमोग्लोबिन से जुड़ रही है उसको भी ये इंड्यूस करेगा H+, तो यहाँ से निकला है अपनी CO2 को लूज करने के लिए, ठीक है, तो वहां पर भी अपन कह सकते हैं कि जो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन है उस पर इस H+ के इफेक्ट से CO2 डिसोसिएट होकर के लंग की तरफ मूव कर जाती है, बिल्कुल बिल्कुल ना, तो इस तरीके से हेल्डेन इफेक्ट जो उसको हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल। तो जैसे इस रेस्पेक्ट में देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड विच डोनेट हाइड्रोजन आयन विच इन टर्न डिस्प्लेस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड, तो ये परफेक्ट चला जाएगा, बिल्कुल, और दो जगह से डिस्प्लेस करेगा ना, एक तो जो प्लाज्मा से बाइकार्ब है उससे और एक हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन से। तो हेल्डेन इफेक्ट जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, प्रमोटिंग कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के लिए, बजाय किसके, बोर इफेक्ट जो कहां लगता है, याद रखना बोर इफेक्ट टिश्यू साइट पर लगेगा, और इस इफेक्ट में होता क्या है कि टिश्यू से जो CO2 ब्लड में आएगी वो CO2 तुरंत वाटर के साथ रिएक्ट करती है और क्या बना देती है, H2CO3 बना देती है, जो रेडिली अनस्टेबल होने के कारण बाइकार्बोनेट के रूप में बदलता है, और यहाँ H+ टिश्यू साइट पर रिलीज होगा, वो बड़ा हुआ H+ फिर क्या करेगा, अनलोडिंग ऑफ O2 करवाता है, कहने का मतलब HB और ऑक्सीजन जो बॉन्ड है इसको तोड़ने का वो काम करता है, इसका मतलब बोर इफेक्ट तो ऑक्सीजन को टिश्यू में पहुंचाने के लिए लगता है, टिश्यू साइट पर लगता है, हेल्डेन इफेक्ट जो है ये कहां लग रहा है, एल्वियोलाई रीजन पर लग रहा है, और ये क्या क्या करेगा, ये CO2 को रिलीज आउट करवा के एल्वियोलाई में पहुंचेगा, क्यों जी, परफेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, ए चाइल्ड वाज बॉर्न अलाइव बट वाज किल्ड बाय ए मैन, एक बच्चा है जिसका जिंदा जन्म हुआ है लेकिन उसे फिर किसी व्यक्ति के द्वारा मार दिया गया है, ही टोल्ड द मदर लेटर, इस समय लेबर पेन के कारण या सर्जिकल अगर ऑपरेट हुई है तो यहाँ पर जो है बेहोशी रहेगी, मान लो अनकॉन्शियस स्टेट में, अनकॉन्शियस स्टेट में, तो इस मदर को इस व्यक्ति के द्वारा बताया जाता है
कि उस बच्चे की वो क्या था, स्टिल बॉर्न था। स्टिल बॉर्न का मतलब है एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान ही या मदर के यूट्रस में उसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। द मदर डाउटेड हिज स्टेटमेंट, ये जो महिला है इसको डाउट होता है इस व्यक्ति के कथन पर, एंड केस वाज रिपोर्टेड टू द पुलिस, और ये FIR दर्ज करवा देती है पुलिस थाने जाकर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कंफर्म दैट इट वाज अ मर्डर, और इस FIR के रिजल्टेंट फिर जब उस बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया जाता है तो फिर कंफर्म हो जाता है कि ये एक मर्डर है। द टेस्ट परफॉर्म्ड बाय द मेडिकल एक्सपर्ट वाज टेकिंग ए पीस ऑफ लंग एंड पुटिंग इट इन वाटर वेयर इट, क्या करेगा ये, तो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान, इस टेस्ट के दौरान क्या किया गया है, एल्वियोलाई का एक छोटा टुकड़ा लिया जाता है। कौन, वो जो स्टिल बोर्न जो चाइल्ड बताया है उसके एल्वियोलाई का एक छोटा टुकड़ा लिया जाएगा। अब अगर उसकी एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान ही डेथ अगर हो गई होगी जितेंद्र सर, तो ये तो अपनी एल्वियोलाई की स्क्वामस थी, ये अपनी एंडोथीलियम कहलाई थी, ये इनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, ये हो गई थी, इंटरस्टीशियल स्पेस भी यहाँ पर पाया जाता है। अगर उसकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में डेथ हो गई, इसका मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, कुछ भी नहीं चलाता इससे। अगर उसकी बर्थ होगी, जिंदा जन्म वो ले गया, इसका मतलब ब्रीथिंग चालू होगी, और ब्रीथिंग चालू होगी तो कुछ गैसेज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ रह जाएंगे, इस इंटरस्टीशियल स्पेस में रह जाएंगे। इंटरस्टीशियल स्पेस में अगर गैसेज के मॉलिक्यूल रह गए तो एल्वियोलाई का ये जो टुकड़ा टेस्ट के लिए काम में लिया है इसमें बायोंसी आ जाएगी, और बायोंसी हल्के हो गए, हाँ ये हल्के हो गए, और बायोंसी अगर आ जाएगी तो ये जो टुकड़ा काम में लेंगे, ये टुकड़ा कहाँ तैरता रहेगा, इसके ऊपर तैरता रहेगा। इसका मतलब है टुकड़े में गैसेज के मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं, और गैसेज के मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं तो इससे कंफर्म हो गया कि बच्चे का जन्म जिंदा हुआ था, मरा हुआ बच्चा पैदा नहीं हुआ था। और वहीं यतेंद्र सर अगर डूब जाता, अगर वहीं ये क्या हो जाता यतेंद्र सर, अगर ये डूब जाता ये टुकड़ा, तो फिर क्या कंफर्म हो जाता कि गैसेज का एक्सचेंज हुआ ही नहीं, और ये मरा हुआ पैदा हुआ, ये मरा हुआ पैदा हुआ। इंट्रा यूट्राइन लाइफ में बच्चे ब्रीथिंग करते नहीं है, और जैसे कि महिला बोल रही है कि ना नहीं मेरे को डाउट है ये तो जिंदा पैदा हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है। तो मान लो अगर वो जिंदा पैदा हुआ है तो सर ने जैसे बताया कि अगर वो बच्चा अगर जिंदा पैदा हुआ है तो बाहर आते ही रोएगा, सांस लेगा तो एयर अंदर जाएगी, और अंदर जाएगी तो वो स्पेस में जैसा कि सर ने बताया, इसके अलावा यहाँ पर भी इकट्ठा हो जाएगा, और रेजिडुअल वॉल्यूम जिसको बोलते हैं RV वो क्रिएट हो जाएगा, वो क्रिएट हो जाएगा है ना। और अगर वो क्रिएट हो गया और टुकड़े को यहाँ पर रखा तो वो हल्का होने से तैरता रहता, कंफर्म हो जाएगा कि वो जिंदा पैदा हुआ था, बिल्कुल, और बाद में उसको मारा गया, बिल्कुल। तो इसके दौरान जो कट सेक्शन लिया जाएगा, जी जी जी, वो कट सेक्शन एक्चुअल में ये वाला कहलाएगा। तो ये क्या बोल रहा है कि इसका क्या हुआ है, मर्डर हुआ है, मर्डर हुआ है, इसका मतलब है डूब जाएगा या नहीं डूबेगा, अगर मर्डर हुआ है तब डूबेगा नहीं डूबेगा, ब्रीथिंग की थी उसने, तो ये क्या हो जाएगा, कैप्ट फ्लोटिंग हो जाएगा, तैरता रहेगा। अरे ठीक है, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार सॉल्व आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जी सर। लिखा है कि जो लोग सी लेवल पर रह रहे हैं ना, तो उनकी ब्लड के अंदर जो RBC की अमाउंट के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है कि इतना RBC होती है, ठीक है। इसके अलावा जो लोग जो है हायर एल्टीट्यूड पे रह रहे हैं, ऊंचाई पर, पहाड़ों पर, उनमें नंबर ऑफ RBC ज्यादा है, तो ऐसा क्यों, हाई एल्टीट्यूड पे ऐसा क्यों है, क्योंकि जब भी लोअर एल्टीट्यूड से हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो व्यक्ति वहां पर कुछ दिन जब रहता है तो उसमें एक्लेमेटाइजेशन आता है, और उस दौरान नंबर ऑफ RBC जो है वो बढ़ते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन की जो नेचर है वो भी बदल सकती है, जैसा कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में हीमोग्लोबिन होता है उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा होती है, उस रेस्पेक्ट में ऐसा बदलाव भी आ सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ RBC वहां पर बढ़ जाते हैं ताकि वहां पर, क्योंकि गैसों का प्रेशर कम है ऊपर, तो ऑक्सीजन का पार्टिकल प्रेशर भी कम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन की लो अमाउंट में भी वो इजीली उसकी सेल तक ऑक्सीजन पहुंच सके, इसलिए नंबर ऑफ RBC बढ़ जाते हैं, साइज उतना ही रहता है, बिल्कुल ठीक बात, साइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसको अपन बच्चों को इस प्रकार भी समझा सकते हैं, भैया RBC तो है एक गाड़ी, ठीक है, ऑक्सीजन है एक सवारी, अगर गाड़ियां कम होंगी तो सवारी को इंतजार करना पड़ेगा, आया ना। ऊंचाई पर अगर चले गए तो वहां पर सवारियां तो क्या हैं, कम हैं, लेकिन गाड़ियों की अवेलेबिलिटी अगर ज्यादा कर देंगे तो सवारी को ज्यादा देर इंतजार नहीं करना, ऑक्सीजन तुरंत लोड होके और टिश्यू के पास अनलोड, बिल्कुल टिश्यू के पास अनलोडिंग उसकी हो जाती है। इतने सर इसको, इसका मैंने फीलिंग भी की है, मैं आपको बताऊं, हाँ जब आप घूमने गए थे लास्ट ईयर, हम लद्दाख में बाइक टूर पे गए थे, जी जी, ठीक है। बस हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक यही हुई कि हम जो है यहाँ से जम्मू होते हुए, फिर कारगिल से होते हुए लद्दाख से फिर हम पेंगोंग लेक भी गए थे, और हमें गर्व की बात यह है कि पेंगोंग लेक जाने वाले हम आखिरी यात्री बने थे,
क्योंकि उसके बाद वो स्लाइडिंग वगैरह हो गई थी और उसके बाद ये चाइना वाला ये बार कोरोना इम्पैक्ट भी हुआ था सर, कोरोना का इम्पैक्ट और उसके बाद ये चाइना वाला जो अनस्टेबिलिटी कंडीशन आई। तो हम लास्ट यात्री ही रहे होंगे जब पेंगोंग जाके आए थे। तो पेंगोंग जो है बच्चों ये 18,000 फीट की हाइट पर है, एल्टीट्यूड पर है, और वहां पर हमने क्योंकि हम रुके ही नहीं ना, कंटिन्यूसली चलते रहे। तो जब भी ये आर्मी पर्सन यहाँ से फ्लाइट में बैठकर लद्दाख जाते हैं, ठीक है, या एल्टीट्यूड एरिया पर जाते हैं, तो उनको वहां पर 5 डे रेस्ट दिया जाता है, उसके बाद और आगे की ऊंचाई पर भेजा जाता है, क्योंकि बॉडी को एक्लेमेटाइज करना जरूरी है। हमने भैया एक्लेमेटाइज किया नहीं, हम कंटिन्यूस चलते रहे। फिर पेंगोंग लेक पर जाकर सर दर्द हुआ, वोमिटिंग हुई, चक्कर आए, इसको बोलते हैं हायर एल्टीट्यूड सिकनेस, हायर एल्टीट्यूड सिकनेस। तो ये जो मैं सिम्टम बता रहा हूँ ना कि फीवर का आना, ठीक है, चक्कर आना, नींद आना, डाउजीनेस आना, बेहोशीपन सा महसूस होना, वोमिटिंग होना, ये सारे हायर एल्टीट्यूड सिकनेस कहलाते हैं। इससे पहले नो डाउट मैंने भी हायर एल्टीट्यूड सिकनेस किताबों में ही पढ़ा था, उस दौरान पहली बार मैंने फील भी किया। और ये टेंशन आपको विश्वास नहीं होगा, उस रात को मेरे को सबसे बड़ी टेंशन पता है क्या थी, कि ठीक है अपनी डेथ हो जाती है, अपने को जो है एरोप्लेन से वहां तक तो ले जाया जाएगा, लेकिन अपनी बाइक किस में आएगी फिर। तो इस प्रकार भी चल रहा था। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा चला जाएगा जितेन सर? हाँ, तो इसमें जो है आरबीसी के रेस्पेक्ट में देख लेते, न्यूट्रिएंट के रिगार्डिंग तो ऐसा नहीं होगा, मतलब नहीं है, पॉल्यूटेड एयर भी नहीं होगा, ठीक है, और पीओ टू लेवल लेस, हेंस मोर आरबीसी आर नीडेड टू एब्जॉर्ब रिक्वायर्ड अमाउंट। एग्जैक्टली, बिल्कुल। यहाँ पर बच्चे ये लिख सकते हैं, नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन कंटेंट को बढ़ाने के लिए, बढ़ाने साइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है जी। तो करेक्ट आंसर एक चीज ये भी याद रख सकते कि जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए टिश्यू लेवल पर वो रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस ताकि तेजी से सेल्स अनलोडिंग हो सके, अनलोडिंग हो सके। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा बच्चों, ऑल्दो मच CO2 इज कैरीड इन द ब्लड, कि ब्लड में ज्यादा CO2 जाती है भैया, येट ब्लड डज नॉट बिकम एसिडिक, लेकिन ब्लड ऐसा एसिडिक नहीं हो पाता है। तो यतेंद्र सर इसके लिए एक छोटा सा मैं स्केच के रूप में बच्चों को बता दूं, ठीक है, ये अपनी आरबीसी होगी, ये अपनी ब्लड कैपिलरी कहलाएगी, यहाँ पर ये अपने टिश्यू पाए जा रहे हैं, क्यों जी? तो इसमें क्या होगा बच्चों, सबसे पहले 77% CO2 आएगी, ओके, ये जो 77% CO2 है इसमें से 7% तो प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाएगी, और रिमेनिंग 70% कहां पर आ जाती है, इस आरबीसी में आ जाती है। जो 70% CO2 यहाँ पर आई है ये तुरंत प्रभाव से किसके साथ रिएक्ट कर जाएगी, वाटर के साथ, H2O के साथ रिएक्ट कर जाएगी, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगी, कार्बनिक एनहाइड्रेट एंजाइम कहलाएगा, और इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगी या जो मॉलिक्यूलर फॉर्म बनेगी वो क्या कहलाएगा, H2CO3 कहलाएगा। H2CO3 अनस्टेबल होता है, ये तुरंत प्रभाव से किसमें टूट जाता है, ये H+ और HCO3- में जी, क्यों HCO3- में ये लूज आउट होता है। तो इस क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि CO2 ब्लड में आएगी और आगे चलकर 23% CO2 और आएगी जब HHB बन जाएगा, ठीक है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन फॉर्म बनेगी HHB से CO2 के जुड़ने के बाद। तो ये CO2 ये सर ब्लड में ही तो पहुंच रही है, CO2 यहाँ पर आने के बाद भी ये जो है ये ब्लड जो है ये कन्वर्ट नहीं होता, एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, इसका मतलब है ये CO2 तुरंत प्रभाव से रिएक्ट कर जाता है वाटर के साथ में, और हाँ बिल्कुल, और CO2 के वाटर के साथ ये जो रिएक्शन है इसको बफर कहा जाता है, बफर सिस्टम, ब्लड बफर के नाम से, बफर सिस्टम है ये, बाइकार बफर है, बाइकार बफर के नाम से जाना जाता है, मतलब रिवर्सिबल है क्योंकि डिपेंड करेगा CO2 के कंसंट्रेशन पे ना, अगर बढ़ेगी तो अलग डायरेक्शन होगी और घटेगी तो अलग डायरेक्शन, ठीक बात है, तो ये pH को रेगुलेट करता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो करेक्ट आंसर इसके लिए क्या, इट इज एब्जॉर्ब बाय द ल्यूकोसाइट, WBC के कारण ऐसा कुछ नहीं है, इट कंबाइन विद द वाटर टू फॉर्म H2CO3 व्हिच इज न्यूट्रलाइज्ड बाय, नहीं न्यूट्रलाइजेशन की बात नहीं करनी है, CO2 ट्रांसपोर्ट एंड ब्लड बफर, वेरी गुड, ये वाला हो जाएगा, ब्लड बफर जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया बाय कार्ब, ये जो आरबीसी के बाहर आ जाता है, बिल्कुल, बाहर आके प्लाज्मा फिर वो सोडियम से जुड़ जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन चला जाता है, ठीक है। और इसके आगे की रिएक्शन भी अगर मैं बच्चों को यदि सर बता दूं, तो यहाँ पर H+ बन गया, H+ बनते ही ये वही ब्लड है जो ऑक्सीजन लेकर आया, और ये जो ऑक्सीजन आई है ये किस रूप में आई है, HBO2 के रूप में यहाँ पर पहुंचती है, पोटेशियम हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, पोटेशियम ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पहुंचती है, H+ हो गया यहाँ पर, H+ क्या आती है, एसिडिक कंडीशन यहाँ पर बनेगी, इसकी वजह से ये टूट जाएगा, मतलब ऑक्सीजन डिसोसिएट, बिल्कुल, KHB में टूट जाएगा, प्लस O2 में टूट जाएगा, ये O2 डिफ्यूज होकर कहाँ आ जाएगी, टिश्यू में आ जाएगी। अब ये जो KHB है
इस हीमोग्लोबिन के दो मित्र हैं भैया, एक तो के प्लस है और दूसरा एच प्लस है, लेकिन अच्छा मित्र कौन सा है? एच प्लस है। कहने का मतलब हीमोग्लोबिन की एफिनिटी एच प्लस के टुवर्ड ज्यादा होती है, तो ये के एच भी एच प्लस को किसी के साथ बंधा हुआ नहीं है, फ्री देखेगा, तो इस के एच भी जो है ये किसमें टूट जाएगा, के प्लस और एच बी में टूट जाता है। ये एच बी बाइंड कर जाएगा यतेंद्र सर किससे, एच प्लस से। अब आगे की रिएक्शन आरबी से नहीं चल रही है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एच बी प्लस एच प्लस, ये दोनों जुड़ेंगे और यतेंद्र सर क्या बन जाएगा, एच एच बी बन जाएगा, हीमोग्लोबिनिक एसिड का निर्माण हो जाता है। जो ही एच एच बी बन जाएगा, जो रिमेनिंग 23% सीओ टू है वो 23% सीओ टू वापस कहाँ आ जाएगी, आरबीसी में, और इस हीमोग्लोबिन के एमीन रेडिकल से ये CO2 बाइंड अप हो जाती है। तो इस HHB से वही कैसी चलेगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी ये भी, और इससे क्या जुड़ गया है, CO2 भी बाइंड अप हो गया है जी, तो ये क्या बन जाएगा, HHB CO2 ये बन जाता है, जिसको कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। 23% CO2 ट्रांसपोर्टेशन इस फॉर्म में होता है, 70% CO2 ट्रांसपोर्टेशन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, प्लाज्मा के अंदर, और 7% जो है वो कहां, प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज है, जब ये सर ये बाइकार्बोनेट बाहर जाएगा तो यहाँ की जो आयनिक बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा, उसको बैलेंस करने के लिए प्लाज्मा से Cl- अंदर आएगा, और प्लाज्मा से ये Cl- आएगा कैसे, जो ही SCO3- बाहर गया तब यहाँ पाया जाने वाला NaCl जो है वो टूट जाता है किसमें, Na+ प्लस Cl- में, और ये Cl- अंदर आ गया, जो Cl- अंदर आएगा ये किसी पॉजिटिव को ढूंढेगा, पोटेशियम पॉजिटिव कौन है, जिसने चोट खाई थी, चोट किसने दी थी, इस हीमोग्लोबिन ने, तो इसके साथ में ये बाइंड अप हो जाएगा। तो KCl का बनना कहां देखा जाता है, टिश्यू साइड पर, KCl का टूटना कहां देखा जाता है, एल्वियोलाई साइड पर, जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन एल्वियोलाई पर चल जाएंगी, और बाहर ये जो सोडियम फ्री हो गया है ये Na+ बाइंड कर जाएगा बाइकार्बोनेट के साथ, क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। अरे ठीक है भैया, क्यों नितिन सर, मतलब ये जो आपने बताया रिवर्सिबल रिएक्शन है, जहां पर CO2 का लेवल ज्यादा होगा वहां पर ये जो डायरेक्शन है वो इस तरफ जाएगी, है ना, बाइकार्बोनेट का, और जहां पर CO2 का लेवल कम है जैसे लंग्स लेवल पे, तो उल्टी डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, रिवर्स डायरेक्शन में चलता है, सी हेल्प करेगा वहां पर CO2 प्रोड्यूस होगा। और यहां पर भी आपको याद रखना है, ये जो रिएक्शन जब ये टूट रहा है ना उसमें भी कार्बनिक एनहाइड्रेट करेगा ना, और कार्बनिक एनहाइड्रेट का मैक्सिमम अमाउंट ये देते हैं आरबीसी में जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेट प्लाज्मा में भी होगा जी, बिल्कुल। चले आगे जी, क्वेश्चन नंबर 8 जी सर, इन मैन एंड अदर मैमल एयर पासेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब लंग्स में जो है बाहर से अंदर आ रहा है एयर का, तो सिंपल सा है, हमें बात देखना है इसके अंदर, ठीक बात है, तो शुरू करते हैं इसके अंदर अपन, जैसे नॉस्ट्रिल दिया नहीं, नेजल कैविटी हो गया, बिल्कुल, और नेजल कैविटी के बाद में फेरिक्स, क्योंकि लैरिक्स पहले ले तो गड़बड़ हो गई, ठीक है, तो नेजल कैविटी हो गया, फेरिक्स हो गया, यहाँ पे भी दिया है, फिर लैरिक्स दिया है, फिर ट्रेकिया दिया है, फिर ब्रोंकियोल पहले दे दिया ब्रोंकाई पहले आता, तो फिर नेजल कैविटी, फेरिक्स, लैरिक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ब्रोंकियोल इनिशियल टर्मिनल, और बाद में एल्वियोल, बिल्कुल। तो ये तो हो गई आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ये हो जाएगी नेजल कैविटी, ये अपना हो जाता है सर फेरिंग्स रीजन, फेरिक्स, और ये अपना आ जाएगा लैरिंग्स रीजन, लैरिंग्स के बाद ये आ जाएगी ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई आ जाती है, ठीक है, इन ब्रोंकाई के बाद में ब्रोंकियोल्स आ जाएंगे, ब्रोंकियोल्स के बाद में फाइनली एल्वियोलाई, सिंपल सा है ना। हां, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, इन द टिश्यू हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इस टिश्यू रीजन पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या, इंक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बोथ ऑक्सीजन, दोनों के लिए नहीं हो सकता, इंक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन बट डिक्रीज द एफिनिटी टू द हाइड्रोजन, ये चीज अभी अपन ने इनको समझाई भी, बिल्कुल, इससे पहले, तो टिश्यू साइट पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं होगी, बिल्कुल, और जो हाइड्रोजन है उसके लिए हीमोग्लोबिन की इंक्रीज होगी, वो उसके लिए इंक्रीज हो जाएगी, सही कहा आपने, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन सही है जी, बट इंक्रीज इज एफिनिटी टू हाइड्रोजन, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, याद करो मैंने कहा था दो दोस्त थे, अच्छा दोस्त कौन सा, एच प्लस वाला, क्यों वहां से कौन सा चला जाएगा, ये पूछा है अपने को, जिसमें फिर HHB में कुछ तो 20-25% CO2 जुड़ जाएगी, बिल्कुल, बाकी का जो है वो मूव करके लंग्स के पास जाएगा, वहां पर जो है उसके साथ ऑक्सीजन जैसे जुड़ेगी तो H+ रिलीज हो जाएगा, ठीक बात है, हेल्डेन इफेक्ट जो हेल्डेन इफेक्ट जो एल्वियोलाई रीजन पर लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टैंडर्ड विद रेफरेंस टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज बाय द ब्लड, तो ब्लड के द्वारा जो रेस्पिरेटरी गैसेज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके लिए अपने को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है,
हीमोग्लोबिन इज नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. नहीं भैया, कार्बोनिक एनहाइड्रेट तो CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में आया था, ये तो एंजाइम है. और हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो ये नेसेसरी है किसके लिए, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए भी और CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए. हीमोग्लोबिन इज नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेट. नहीं, ये बात भी गलत हो जाएगी. एंजाइम नहीं जुड़ रहा. बिल्कुल बिल्कुल. Only oxygen is transported by the blood. नहीं, गलत हो गया. Only carbon dioxide is transported by the blood. यहाँ पे अपने को देखना है ना, hemoglobin is necessary for transport. ये वाला चला जाएगा फिर अपना आंसर. क्या लिखा है? Hemoglobin is necessary for transport of oxygen. सही है. कार्बोनिक एनहाइड्रेज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में H2CO3 जो बनेगा CO2 plus H2O. यहां तक ये बात होगी कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल है. उसके बाद में जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये है, बिल्कुल, उसने CO2 को वाटर के साथ जोड़ा. एग्जैक्टली. और फिर वो बाइकार्ब में चेंज हुआ. तो करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा. क्यों? यहाँ पर मतलब ऐसा डाउट हो गया है कि हीमोग्लोबिन इसको भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसको भी कर रहा है, ऐसा नहीं. हाँ बिल्कुल. तो ये एक्चुअल में दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में सत्यता छुपी हुई है, ट्रुथनेस हिडन है यहाँ पर. नेक्स्ट 11. जी सर. विद रेफरेंस टू ह्यूमन रेस्पिरेशन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. करेक्ट देखना हमारे. ठीक है. कि पल्मोनरी वेंटिलेशन इज इक्वल टू एल्वियोलर वेंटिलेशन. गलत हो गया. पल्मोनरी जो एल्वियोलर से ज्यादा है. जैसे अपन देखें कि एक तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस हो गया है, और मान लो सीधा अपन उसको एल्वियोलाई से कनेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. ये तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस हो गया जो 150 ml के आसपास हो गया ना. ठीक है. और फिर अगर हम लोग देखें कि ये एल्वियोलाई वाला रीजन हो गया, तो जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस में जो एयर 150 ml सुनील जी है, क्योंकि ये तो एयर वैस्कुलर है, तो यहाँ से गैसीय सेक्शन जो होगा नहीं होगा, तो 150 है और 350 यहाँ है, और ये वैस्कुलर रीजन है, यहाँ से गैसीय सेक्शन हो जाएगा. ठीक है. तो एल्वियोलर जो रेस्पिरेशन है अगर देखें तो उस रेस्पेक्ट में 350 ml एयर ही मुंह कर पा रही है. ठीक बात है. क्योंकि 150 एनाटॉमिकल डेड स्पेस मतलब उस पाथ में जो एयर वैस्कुलर है, तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो टोटल जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है उसकी वैल्यू तो 500 है. ठीक है. और केवल एल्वियोलर हमें लेना हो तो 500 माइनस 150 तो 350 है. वॉल्यूम में से हम लोग एनाटॉमिकल डेड स्पेस को माइनस कर देंगे तो 350 एल्वियोलर आ गया. ठीक है. उसको प्रति ग्रेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 और 16, तो वो आपका एल्वियोलर आ रहा है. बिल्कुल ठीक कहा आपने. पूरा पल्मोनरी देखें तो 500 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6000 से 8000 आता है. बिल्कुल. तो वो पूरा पल्मोनरी है, लेकिन केवल एल्वियोलर देखें तब ऐसे माइनस करना. ठीक बात है. तो यतीन सर ने दो टर्म आपके सामने बता दिए. पल्मोनरी वेंटिलेशन, वेंटिलेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के साथ में. ठीक है. पल्मोनरी का तो मतलब हो गया एटमोस्फियर और लंग्स के बीच में होने वाला. अब एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में एक बार मैं इनहेल करता हूं, इसका मतलब 500 ml लेता हूं, तो ये तो पल्मोनरी वेंटिलेशन का पार्ट होगा. और एल्वियोलर वेंटिलेशन का मतलब है मैंने जो 500 ml लिया उसमें से 150 ml तो इस पाथवे में ही रह गया, जिसे डेड स्पेस वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है. रिमेनिंग 350 ml कहां पहुंचा, एल्वियोलाई में पहुंचा. ये एयर का वो वॉल्यूम है जो ब्लड के साथ में क्या करेगा, एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करेगा. क्यों? तो सीधी सी बात है कि 500 ml ज्यादा है, 350 ml कम है. और ये जो वेंटिलेशन की बात होती है यतीन सर, ये बच्चों को बता दें, ये पर मिनट के अकॉर्डिंग काउंट किया जाता है. तो पल्मोनरी वेंटिलेशन अगर यतीन सर मैं सिंपली कैलकुलेशन कर दूं तो एक बार में 500 था और इसको मिनिमम ब्रीथिंग रेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 हो जाएगा, तो 6000 आ जाएगा. तो ये लगभग जो है ये 6000 आ जाता है. क्यों? और मैक्सिमम अगर करो तो 8000 आ जाएगा. मैक्सिमम 8000 आ जाएगा. और यही यतीन सर एल्वियोलर वेंटिलेशन की बात कर लो तो 350 ही आया था ना जी, तो 350 को फिर मल्टीप्लाई कर दो लोअर लिमिट से, तो ये कितना आ जाता है अपना, ये आ जाता है 350 420 4200 के लगभग आ जाता है. इसका मतलब एल्वियोलर वेंटिलेशन कम होता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन ज्यादा होता है. ये क्या कह रहा है, इक्वल होता है? नहीं, गलत बात. जी सर. एल्वियोलर वेंटिलेशन इज लेस देन पल्मोनरी वेंटिलेशन. बिल्कुल. एल्वियोलर वेंटिलेशन जो है वो लेस होता है अपने से. करेक्ट ही तो पूछे हैं जी. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट चला जाएगा. एल्वियोलर वेंटिलेशन इज मोर, 4200 6000 से ज्यादा नहीं हो सकता. पल्मोनरी वेंटिलेशन इज लेस नहीं, ज्यादा होगा. क्यों? तो करेक्ट ऑप्शन नंबर 2. मतलब यहां पे लिखा है पल्मोनरी वेंटिलेशन इज लेस देन एक्सपायर्ड एयर, वो भी 500 ml है, वो भी 500 ml, और ये भी बराबर हो गए. बिल्कुल ठीक बात है. तो करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. Which of the following is true for CO2 concentration? अगर CO2 concentration की मैं बात करूं तो सीधी सी बात है, एक वो NCERT का डायग्राम आपको याद रखना है. ये एल्वियोलाई है भैया. ठीक है. ये अपने हार्ट के चार चैम्बर आपको बताए,
क्लियर। और यहाँ से जो है ये अपना टिश्यू साइड कहलाया था, यहाँ से अगर मैं ब्लड वेसल की बात करूँ तो ये ब्लड लेकर इस एट्रिया में आई, फिर यहाँ से ब्लड लेकर लंग्स के पास में गई, और फिर यहाँ से अपना जो है ये तो सर कांच लगाए, ये क्या हो रहा है ये? अच्छा मैं एक बार चेंज कर देता हूँ इसको। जी ये लो, बिल्कुल। तो ये अपना एल्वियोलाई रीजन हो गया, और फिर यहाँ से जो है वो क्या चालू हो जाती है अपनी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फाइनली टिश्यू साइड तक पहुंचता है। मोर इन एल्वियोलर एयर, किसकी बात कर रहे हैं? CO2 की बात। तो एल्वियोलाई की अगर बात करें तो यही लिख देते हैं, एल्वियोलर एयर में PCO2 कितना होता है? 40 mmHg कहलाता है, ठीक है। देन इन एक्सपायर्ड एयर, तो एल्वियोलर एयर में और एक्सपायर्ड एयर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर CO2 कंसंट्रेशन? तो एल्वियोलर एयर में 40 होता है जी, और जब एक्सपायर्ड करेंगे तो एल्वियोलाई रीजन में कितना हो जाएगा? एक्सपायर्ड एयर में तो 45 कहलाएगा। मतलब जो एल्वियोलर एयर अगर इसके रेस्पेक्ट में अपन देखें तो जो एक्सपायर्ड एयर है एक्चुअल में जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस है, जब भी अपन इनहेल करते हैं तो इनहेल करते वक्त जो पहले से उस पार्ट में 150 ml पाई जा रही है उसको धकेल के आगे कर दिया जाए। एग्जैक्टली। और बाहर से जो प्योर एयर आई उसका 150 ml उसी रास्ते में रह गया, बिल्कुल, तो उसको हमने यूज किया नहीं। ठीक बात है। तो जब एक्सपायर करेंगे तो वो प्योर भी बाहर गई तो उसमें CO2 की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, बिल्कुल, है ना। तो ये जो 350 ml यहाँ पर जो एक्सपायरेशन के लिए पाई जा रही है ये तो वो है जो ब्लड से अभी अभी आई है, तो ये तो CO2 रिच कहलाएगी। और जब ये बाहर निकलेगी तो इसमें 150 ml वो जरूर जुड़ेगा जो इंस्पायरेशन का पार्ट रह गया था जो ऑक्सीजन रिच कहलाएगी, और वो अगर इसमें जुड़ जाएगी इसका मतलब है 500 ml में CO2 का पार्ट कम हो जाएगा जो बाहर निकला ना, बिल्कुल। तो नोस्टिल से बाहर निकलने वाला 500 ml में CO2 का पार्ट कम है बजाय किसके? एल्वियोलाई में पाई जाने वाली CO2। तो अपने से यही पूछा है तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आरबीसी के रेस्पेक्ट में? ट्रू पूछ रहा है ना, तो दे कह रही अबाउट 20-25% ऑफ CO2 सही है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में, तो ये वाला सही हो गया। और क्या पूछ रहे? ट्रू। बाकी देख लेते हैं, दे ट्रांसपोर्ट 99% नहीं 97 होगा, दे ट्रांसपोर्ट अबाउट 80% ऑफ ऑक्सीजन ओनली, तो ये भी गलत हो गया, बिल्कुल ये भी गलत हो गया, क्योंकि 97% जो हीमोग्लोबिन करे हीमोग्लोबिन आरबीसी में, ठीक है, और दे डू नॉट कैरी CO2 एट ऑल, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 20-25% कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है, सो करेक्ट आंसर फर्स्ट चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मैच द फॉलोइंग, फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है, टीवी प्लस ईआरबी, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटी। ये पीछे वाले लेक्चर में हमने डिटेल से आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में बताया भी था, पीछे वाला एक बार देख लेना, आप पीछे वाला लेक्चर जरूर देख लेना, उसमें डिटेल से हमने बात की है। तो मैंने 500 ml बाहर छोड़ा, इसके बाद में फोर्सफुल और बाहर छोड़ दिया, तो ये मेरे एक्सपायरेशन की कैपेसिटी बन जाती है, और इसी का मतलब फर्स्ट ही हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। आरवी एआरवी टीवी और आईआरवी चार वॉल्यूम का मतलब टीएलसी, टीएलसी मतलब ये सेकंड हो जाएगा। ईआरवी प्लस आरवी ये मेरी क्या कहलाती है? एफआरसी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये थर्ड बन जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो लास्ट वाला लेक्चर आप जरूर देखना, वहां पर हमने इन सारे पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी की डिटेल में बात की। नंबर अगर देखें तो ये जैसे 21 है तो 19 नंबर देखना, हां 19 नंबर में डिटेल से बात की है। 15 जी सर, व्हिच स्ट्रक्चर ऑफ मैन इज सिमिलर टू स्पिनेकल ऑफ कॉकरोच? अपन ने पीछे की भी कई मतलब एन जो टैक्सोनॉमी बात की थी, टैक्सोनॉमी में जो कॉकरोच है उसकी बॉडी में जो थोरैक्स है एब्डोमेन वाला पार्ट है, ठीक है, तो वहां पर कुछ ओपनिंग होते हैं लेटरल साइड में, लेटरली जिनको स्पिरेकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पिरेकल्स हैं ट्रेकिया ट्रेकल सिस्टम के अंदर कनेक्टेड है, ठीक है, और इन्हीं से एयर अंदर एंट्री करती है, तो एटमोस्फियर और ट्रेकियल सिस्टम के बीच का पार्ट ये कहलाता है जी। तो यही पूछा कि हमसे सिमिलर क्या है, तो वो हो जाएगा हमारे नोस्टिल, हो जाएगा। तो अपने भी एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच का कनेक्शन ये नोस्टिल ही बन रहा है, जहां से बॉडी से अंदर एयर एंटर कर रही है, और इनके कौन से पोर्ट से एंटर करेगी? स्पायरिकल से एंटर कर जाएगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर इन द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल व्हेन एक्सपायरेशन ऑफ एयर टेक प्लेस? एक्सपायरेशन की अगर बात करेंगे इसका मतलब ये जो मूवमेंट हो रहा था गैसेज का ब्रीथिंग के दौरान, ये प्रेशर ग्रेडियंट के अलोंग होता है, इसका मतलब हायर प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर होता है। अब एक्सपायरेशन की बात करें इसका मतलब अंदर से एयर बाहर जा रही है, तो अंदर प्रेशर कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कैसा? ज्यादा। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा, इसका मतलब वहां का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और वॉल्यूम कम हो, कम किसके कारण होगा? क्योंकि अपन तो डायरेक्टली अल्टर नहीं कर सकते अपने लंग्स के वॉल्यूम को,
ये अल्टरनेशन किसके कारण आता है? थोरेसिक चैम्बर, जो कि एयर टाइट चैम्बर कहलाता है, तो अपन थोरेसिक चैम्बर में चेंजेस ला सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, अंदर प्रेशर ज्यादा इसका मतलब है लंग्स का वॉल्यूम कम, लंग्स का वॉल्यूम कम इसका मतलब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम इसका मतलब है डायफ्राम तो हो गया डोम शेप, और जो अपनी रिब्स हैं ये एक्सपेंडेड पोजीशन से वापस कैसी आ गई हैं, नॉर्मलाइज हो गई हैं। तो ये कह रहा है कि एक्सपायरेशन के लिए क्या जरूरी है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो जाए बिल्कुल, और डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो डोम शेप डायफ्राम जो है वो फ्लैटन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मसल पाई जाती है फ्रेनिक मसल, इसमें अगर कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ये फ्लैट शेप हो जाएगा। तो ये बात क्या होगी यदि सर, रॉन्ग होगी। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ना, इसका मतलब ये तो एक्सपेंड करेंगी रिब्स को बाहर की ओर, ऊपर की ओर उठाएंगी, तो ये बात क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, रिलैक्स होना चाहिए। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम रिलैक्स बिल्कुल, अगर ये दोनों रिलैक्स करेंगे तो अपनी थोरेसिक कैविटी वापस नॉर्मल पोजीशन में आएगी, नॉर्मल पोजीशन में आएगी, वॉल्यूम घटेगा, लंग्स का वॉल्यूम घटेगा, लंग्स का प्रेशर बढ़ेगा, अंदर का प्रेशर ज्यादा स्लाइटली अबव हो जाता है एटमोस्फेरिक प्रेशर से, तो अंदर की एयर कहाँ आ जाएगी, बाहर की ओर आ जाती है। क्यों? क्योंकि सिंपल सा कि इनहेलेशन एक्टिव है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और एक्सहेलेशन पैसिव है, तो मसल रिलैक्स हो रही है, बिल्कुल दोनों ही मसल रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल ठीक बात है। और इसमें एक चीज और आप याद रख लेना, जैसे अपन ने 12 ब्रीथ की बात की थी यतिंद्र सर, एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड, क्यों? तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये एक ब्रीथ कितने में आ जाती है, 5 सेकंड में आ जाती है, और वन ब्रेथ का मतलब होता है एक बार इंस्पायरेशन एक बार एक्सपायरेशन, तो 5 सेकंड में इंस्पायरेशन भी हो रहा है एक्सपायरेशन भी हो रहा है, इंस्पायरेशन मसल कॉन्ट्रेक्शन के कारण हो रहा है इसलिए एक्टिव है, तो इंस्पायरेशन में तो 2 सेकंड लगती है, और एक्सपायरेशन मसल रिलैक्सेशन के कारण हो रहा है इसलिए पैसिव है, इसमें 3 सेकंड लगती है, ठीक है, तो ये टाइम पीरियड रह जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 3 चला जाएगा। आज मुझे ही लग रहा है या आपको भी लग रहा है क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, ज्यादा बोल रहे हैं, लेंदी टाइप के हैं, कोई बात नहीं है, आपको उतने ही टाइम में कंप्लीट करवाएंगे, स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी थे, बने रहो आप हमारे साथ। जी यतिंद्र सर, ये सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल, इसके अंदर लेबलिंग सीधा याद रखना है ना। तो सुनील जी, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सी जो है वो हो जाएगी पल्मोनरी वेन हो जाएगी, ठीक है, तो लंग से प्योर ब्लड को हार्ट की तरफ लेके, ठीक है, फिर ये लार्जर आर्टरी है तो प्योर ब्लड को टिश्यू के पास लेके, और ये इन्फीरियर वेना की वजह अपन कह सकते हैं, ठीक है, तो इम्प्योर ब्लड को वापस टिश्यू से हार्ट की तरफ लेके जाएगा, और ये पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगी, तो इम्प्योर ब्लड को हार्ट के राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ लेके आ रही है। तो एम में देखिए सुनील जी, वेना क्या हो, इसका मतलब आर्टरी नहीं होगी, आर्टरी नहीं होगी, तो फिर सिस्टेमिक वेन बोलते हैं, सिस्टेमिक वेन, यहां भी सिस्टेमिक वेन बिल्कुल चला जाएगा। बी चेक करना, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पर पल्मोनरी वेन है तो ये गलत हो गया, तो आंसर ये चला जाएगा, क्रॉस चेक कर लेते हैं, सी पल्मोनरी वेन, ठीक है, और डी सिस्टेमिक आर्टरी, बिल्कुल ठीक बात है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 जाएगा अपना, ब्लड कैरीज दी CO2 इन 3 फॉर्म, द करेक्ट परसेंटेज ऑफ CO2 इन दिस फॉर्म, अभी अभी एक क्वेश्चन में आपको हमने बताया था, कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में अगर बात करें तो कितना होता है, 22-25% कहलाता है, बाइकार्बोनेट के रूप में 70% होता है, डीजल फॉर्म में 7% होता है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट चला जाएगा, ओके। यहाँ पर जो है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी कैन रिकॉग्नाइज चेंज इन, ये जो दोनों रिसेप्टर है सुनील जी, ये पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर है, और ये बॉडी फ्लूड के अंदर H+ एंड जो CO2 है, या अपन इसको बाइकार्ब की फॉर्म में भी कह सकते हैं, इनकी कंसंट्रेशन को ये सेंस करते हैं, ठीक है, एंड सेंड सिग्नल टू फॉर रेमेडियल एक्शन, तो यहाँ पर बोल देंगे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रिदम सेंटर, तो इसी तरीके से अपने जो मेडुला ओब्लोंगेटा में पाया जाता है डोर्सल और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप के रूप में, फिर तो सेकंड जाना चाहिए, तो CO2 और H+ आएगा क्या जी, ऑक्सीजन तो नहीं आएगा ना, ऑक्सीजन नहीं आएगा, नहीं, CO2H+ रिदम सेंटर, एपनिउस्टिक तो हाइपोथेटिकल सेंटर कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, टू फ्रेंड आर ईटिंग टुगेदर ऑन ए डाइनिंग टेबल, ठीक है, वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट कफिंग, एक को अचानक खाना खाते खाते जो है वो खांसी आने लग जाती है, व्हाइल स्वॉलोइंग सम ऑफ द फूड, कुछ भोजन निकलते समय, अभी अभी अपन ने बात की थी कि एपिग्लोटिस कैन क्लोजेस द ग्लोटिस, ये ज्यादा एग्जैक्ट वर्ड है, क्योंकि जब ये निकलते समय अगर बात करेगा तो कुछ फूड पार्टिकल ट्रेकिया में एंटर कर सकते हैं, उसकी वजह से रिफ्लेक्स जनरेट होगा, फूड पार्टिकल वापस बाहर आएगा, इसकी वजह से खांसी आएगी, दिस कफिंग वुड हैव बीन ड्यू टू इम्प्रॉपर एक्शन ऑफ, इम्प्रॉपर मूवमेंट किसका हुआ है, एपिग्लोटिस का,
क्यों जी 21। अब यहाँ जो ये फिगर दी है, अच्छा क्वेश्चन है कि जब भी कोई आदमी इनहेलेशन करता है तो थोरेसिस कैविटी जो है उसका वॉल्यूम बढ़ता है, पल्मोनरी कैविटी का भी वॉल्यूम बढ़ता है। एग्जैक्टली ऊपर की तरफ जा रहे, मतलब इनहेलेशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। जी जी, इनहेलेशन यानी इनहेलेशन हो गया। ओके, और नीचे की तरफ वॉल्यूम कम हो रहा है, एक्सहेलेशन हो गया, एक्सहेलेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसी रेस्पेक्ट में यहाँ पे हमें देखना है कि सेकंड टू थर्ड, सेकंड टू थर्ड मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है यहाँ से यहाँ तक की ये बात, इसका मतलब ये एक्सेलेरेशन हो रहा है, ये एक्सेलेरेशन। और जब भी एक्सेलेरेशन होगा सुनील जी, तो डायफ्राम जो वो फ्लैट से कैसा हो जाएगा, अगेन डोम शेप हो जाएगा, तो मूवमेंट ऑफ डायफ्राम अवे फ्रॉम द लंग्स, अवे फ्रॉम द लंग्स का मतलब तो फ्लैट हो जाएगा, गलत बात, गलत है। एक्सपेंशन ऑफ द थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड नहीं होगी, ये तो रिड्यूस होगी, तभी अंदर ज्यादा प्रेशर बनेगा, मूवमेंट ऑफ एयर आउट ऑफ एक्सेलेरेशन में एयर बाहर चले, बिल्कुल। एक्सपेंशन ऑफ रिब्स, अगर ये एक्सपेंड करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, थोरेसिक कैविटी का पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, अंदर का प्रेशर घटेगा, तो इंस्पायरेशन होगा, मतलब ये जो चौथा सुनील जी इस दौरान हो जाएगा, हाँ, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है इस दौरान हो जाएगा, बिल्कुल। और ऐसा जो है EICM के कॉन्ट्रेक्शन के कारण होता है। नेक्स्ट 22, इन लंग्स द एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द वेनस ब्लड थ्रू, इसका मतलब रेस्पिरेटरी जो मेम्ब्रेन है उसकी लेयर्स की, लेयर्स की ये बात कर रहे हैं, तीन लेयर हो जाएगी, बिल्कुल तीन लेयर, ये तो एल्वियोलर स्क्वामस हो जाती है, अगर इस डायग्राम से मैं बता दूं, हाँ, 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 ये, तो ये जो है ये तो अपनी पल्मोनरी कैपिलरी होगी, ये पल्मोनरी कैपिलरी की अपनी एंडोथेलियम कहलाती है, और ये जो है ये स्क्वामस कहला जाती है, और यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगी, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, बिल्कुल। अगर यहाँ पर डिटेल में भी बात कर लेना तो डिटेल में देखना, ये तो है एल्वियोलाई की स्क्वामस, इसके ठीक बाहर इस स्क्वामस की बेसमेंट मिलेगी, ठीक है, इधर ये एंडोथेलियम है कैपिलरी का, और कैपिलरी के एंडोथेलियम के ठीक बाद इसकी बेसमेंट मिलेगी, और बीच में जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस हो जाएगी, क्लियर भैया। और वो इंटरस्टिशियल स्पेस, अभी वो एक केस अपन ने देखा था, पोस्टमार्टम करवाया था, वो जो टुकड़ा है वो पानी के ऊपर तैर रहा था, तो वो वाला केस हो जाएगा। तो क्या क्या हो गया, ट्रांजिशनल नहीं होगा, नहीं, ये तो कहां पर, स्क्वामस एपिथेलियम एल्वियोलाई की एंडोथेलियम और ब्लड वेसल, बिल्कुल होती है। एक और स्क्वामस एपिथेलियम ट्यूनिका मीडिया, ये नहीं है, मीडिया नहीं, इंटीमो, नन ऑफ दीज नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट, और इसमें एक बेसमेंट मेम्ब्रेन भी लिया जा सकता है, हां बेसमेंट मेम्ब्रेन और आ जाएगा। 23, आफ्टर टेकिंग ए लॉन्ग डीप ब्रेथ, आदमी जैसे लंबी सांस ले रहा है, तो इससे आदमी के जो बॉडी के अंदर CO2 का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को योगा सिखा रहे हैं। कंटिन्यू कंटिन्यू, तो या ऐसे भी कह सकते कि लंबे टाइम तक जो है ब्रीथिंग की, तो उसके बाद में जो इनहेलेशन वो अपने आप रुक जाएगा, ठीक बात, क्योंकि बॉडी के अंदर बाइकार्ब का लेवल कम चला, कम हो गया, क्योंकि अभी भी एक क्वेश्चन अपन ने देखा था कि जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं वो किसको डिटेक्ट करते हैं, ब्लड में H+ को, ब्लड में CO2 को, उनका लेवल कम हो गया था, बाइकार्बोनेट उनका लेवल कम हो गया, उनका कम हो गया, कम हो गया, इसका मतलब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है वो इनहेलेशन को कम कर रहा है, कम करेगा, ठीक बात, ऐसा ही हमें देखना, डिमांड नहीं बढ़ रही है। आफ्टर टेकिंग ए लॉन्ग डीप ब्रेथ वी डू नॉट रेस्पायर फॉर सम सेकंड ड्यू टू लेस CO2 इन ब्लड, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अपना जो ब्रीदिंग वाली प्रोसेस है वो ब्लड में जैसे CO2 का लेवल थोड़ा सा ही बढ़ता है तब ज्यादा सेंसिटिव है, बिल्कुल ज्यादा, और जब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा गिर जाता है तब वो जो है जागता है, बिल्कुल, ब्रीदिंग को जो है फिर थोड़ा इन्फ्लुएंस करता है, तो वी आर मोर सेंसिटिव फॉर इंक्रीजिंग CO2 लेवल इन आवर ब्लड एंड लेस सेंसिटिव फॉर डिक्रीजिंग O2 लेवल इन आवर बॉडी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑक्सीजन का जो लेवल है उसका एग्जैक्टली कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है, CO2 जो है उसकी वजह से जो है ये सेटअप क्रिएट होता है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर चला जाएगा लेस CO2 इन ब्लड। नेक्स्ट 24 हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट हैज मैक्सिमम एफिनिटी विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ मैक्सिमम एफिनिटी की बात कर रहा है ये, तो आपने लास्ट टाइम एक जो ग्राफ भी बताया था, ये नॉर्मल एडल्ट का है, बिल्कुल, और फिर ये फीटल हो गया, ये फीटल हो गया, और मायोग्लोबिन जो सबसे ज्यादा कंजूस है, जिसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा है, और वो एक प्रोटीन की टर्शियरी स्ट्रक्चर है, एक आयरन उसमें, एक ही ऑक्सीजन के साथ, एक बात है, तो ये वाला जो ग्राफ है ना वो तो आप याद रख ही लेना, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ये वाला तो हो जाएगा किसके लिए, मायोग्लोबिन, और ये वाला हो जाएगा अपना फीटल के लिए, और थर्ड वन हो जाएगा ये अडल्ट के, इसका मतलब
ये कैसे हैं, सबसे कम ये है, उसके बाद है ये वाला ऑर्डर, तो ये वाला ऑर्डर बन जाएगा इसमें अपने आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम अफिनिटी किसके लिए हो जाएगी? मायोग्लोबिन। क्यों जी? नेक्स्ट 25 हो जाएगा जी सर। फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट इन रेस्पिरेटरी सिस्टम एनसीईआरटी की लाइन है, तो उसका फंक्शन क्या है यही पूछ रहा है। तो इनकमिंग एयर के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना, इनकमिंग एयर को जो है प्योर करना, फॉरेन पार्टिकल से इनकमिंग एयर जो उसके अंदर मॉइस्चर ऐड करना, मॉइस्चर ह्यूमिडिफाई करना उसको, और इसके अलावा जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको एल्वियोलाई तक पहुंचाना, ये हां बिल्कुल। तो ये इसका मेन फंक्शन, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और ये भी सारी हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 26 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप नॉट involved in respiration, कौन सी involved नहीं है? Diffusion of gases across alveolar membrane है, transport of gases by the blood है, provide nutrition O2 to, ये तो किसका, ये blood circulation का function बन जाएगा, utilization O2 by the cell for catabolic reaction। तो ये steps of जो breathing है वो NCERT के इसी chapter के page number जो तीसरा है उस पर दी हुई है, उसको अच्छे से याद कर लेना, तो ये भी हो जाएगा। कौन सा नहीं होगा? Third नहीं होगा। Third किसका function है? Circulatory system का। Next 27, which muscle contract during normal expiration, जब भी normal inhalation की अगर हम लोग बात करें तब ECM और diaphragm की मसल में contraction होता है, ठीक है, और जब भी normal exhalation हो रहा है उस दौरान यही मसल रिलैक्स हो रही हो जाती है, रिलैक्स हो रही है, हाँ जी, वॉल्यूम के घटने से, प्रेशर के बढ़ने से एयर बाहर मूव कर रही है, okay. तो कोई भी मसल इस दौरान कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। हाँ, फोर्सफुल एक्सहेलेशन की बात करें तब अपन एब्डोमिनल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन बता सकते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपायरेशन, तो कॉन्ट्रैक्ट पूछ रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब अपने को ऑप्शन भी कौन सा देखना है, नो मसल कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दी एक्सपायरेशन, तो ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, ठीक है। तो ये दिन सर मैं बच्चों को, आप जरा बताइएगा, मैं कुछ एक्शन करता हूँ, ठीक है। नॉर्मल इनहेलेशन, फोर्सफुल इनहेलेशन, और ये आपका जो है, जो आपने इनटेक किया उसको आपने रिलीज कर दिया, जिसे फोर्सफुल लिया था वो छोड़ दिया, ये टीबी एक्सपायर हो गया, ये फोर्सफुल हो गया, ये फोर्सफुल हो गया एक्सहेलेशन। अब ये क्या कह रहा है कि नॉर्मल इंस्पायरेशन, इसका मतलब टीबी ले लिया मैंने अंदर, अब मैं मैक्सिमम कितना छोड़ सकता हूँ? तो पहली बात तो जिसे टीबी अंदर लिया है उसे छोड़ू, 500 ml को छोड़ू, तो टीवी फॉर एक्सपायरेशन बाहर आ गया, इसके बाद फोर्सफुल, और इसका मतलब दो वॉल्यूम में छोड़ सकता हूँ, टीवी प्लस ईआरवी, और टीवी प्लस ईआरवी में तेंदुसर क्या कहलाते हैं, इसी कह रहा है, आंसर कौन सा चला जाएगा, एक्सपायरेशन। ये अगर कि है ना, फोर्सफुल इनहेल करने के बाद में आदमी मैक्सिमम कितना एक्सहेल कर सकता था, तब वीसी हो जाता, तब वाइटल कैपेसिटी हो जाता। नेक्स्ट 29 जी सर, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड, तो काफी फैक्टर पे रिलेट करता है, लेकिन प्राइमरी जो है वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, बिल्कुल एनसीईआरटी की ही लाइन है। क्वेश्चन नंबर 30, ए पर्सन ब्रीथ्स इन एयर बाय फोर्स्ड इंस्पिरेशन आफ्टर हैविंग फोर्स्ड एक्सपायरेशन, दिस क्वांटिटी ऑफ एयर टेकन इन ईच, ये क्या कहलाती है? तो ये कह रहा है कि पर्सन ब्रीथ इन, एक व्यक्ति बलपूर्वक निश्वासन के पश्चात बलपूर्वक वायु का अंतः श्वसन भी करता है, तो एयर बाय फोर्स्ड इंस्पायरेशन अंदर ले रहा है, लेकिन किसके बाद? फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अब इसी लाइन को ही मैं एक्सप्रेस करता हूं इवेंट के रूप में, ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन जी, इसका मतलब जिसे फोर्सफुल एक्सपायर किया था उसे सबसे पहले लिया, इसका मतलब किसे ले लिया मैंने, ईआरवी को ले लिया, उसके बाद ये टीवी फॉर इंस्पायरेशन ले लिया, और इसके बाद में तो ये आपकी वीसी हो जाएगी, फोर्सफुल और ले लिया मैंने, तो ये आईआरवी बन गया, और तीन वॉल्यूम का मतलब ये तीन सर क्या कहलाता है, कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा जी सर, ए पर्सन इज ट्राइंग टू फिल एन एम्प्टी बैलून अप टू ए लिमिट, फिर मैक्सिमम एयर वॉल्यूम व्हिच कैन बी फिल्ड इन बैलून बाय ओनली सिंगल ब्रीदिंग इज जस्ट इक्वल टू, मतलब वो जो है वो नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद में जो है बैलून के अंदर एयर फिलअप कर रहा है, कितनी कर सकता है मैक्सिमम, मैक्सिमम कितनी कर सकता है, तो फिर तो वो आपकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी नहीं, यहां पर वाइटल कैपेसिटी हो जाएगा वीसी, बिल्कुल, तो आंसर इसका वीसी चला जाएगा। अब ये जो गुब्बारा है ना, इसमें मैं दो तरीके से हवा भर रहा हूं, जितेंद्र सर आप बताना, ठीक है, इसमें टीवी और ईआरवी आ गया, टीवी और ईआरवी आ गया, मतलब इसी हुई, हाँ। अब मैं दूसरे तरीके से और इसमें हवा भर रहा हूं, वो भी देखना आप,
तो इसमें टीवी, ईआरवी और आईआरवी, ये विषय हो गए, ये तीनों आ गए। इसका मतलब मैक्सिमम कितनी, इसका मतलब पहले मैक्सिमम अंदर भर लो भैया, मैक्सिमम अंदर कब भरोगे, फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर लो। आईआरवी आ गया तो सबसे पहले निकलेगा भी क्या, आईआरवी निकलेगा, फिर टीवी, फिर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, तो तीन का क्या कॉम्बिनेशन, वाइटल कैपेसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट 32, जी सर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के वक्त जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, डायफ्राम डोम से सबसे फ्लैट होता है, ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है, ये अपन लोग देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फ्रेनिक मसल सही है, होता है, इंक्रीज इन थोरेसिस कैविटी वॉल्यूम सही है, होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल नहीं होता, ये फोर्सफुल एक्सहेलेशन के वक्त होता है, जो स्नीजिंग के समय, कफिंग के समय ऐसा होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंट्रोकोस्टल मसल होता है, बिल्कुल होता है, थर्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड चला जाएगा, ठीक है बच्चों, 33 हो जाएगा। विच इज द ऑक्यूपेशनल पल्मोनरी डिजीज, ऑक्यूपेशनल पल्मोनरी डिजीज की अगर बात करें तो ये उन व्यवसाय में होता है जहां पर डस्ट पार्टिकल्स की अबंडेंस बनी रहती है, सारे दिन जो है वो सराउंडिंग एयर में डस्ट पार्टिकल खूब बने रहते हैं, और ऐसा जो है वो स्टोन और ग्राइंडिंग, ये जो जो भी इंडस्ट्री होती है, सीमेंट की जो कारखाने होते हैं, यहाँ पर उड़ते रहती है, वहां पर खूब डस्ट पार्टिकल्स जो है वो सस्पेंडेड रहते हैं एयर में, और ऐसी डिजीज सिलिकोसिस होगी, एस्बेस्टोसिस होगी, जी जी, तो ये एनसीईआरटी के अंदर एंड के अंदर दिया, बिल्कुल बिल्कुल, डिसऑर्डर से रिलेटेड, तो आंसर अपना ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 34, व्हेन अ मैन इनहेल एयर कंटेनिंग नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ O2 एज वेल एज CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये 200 टाइम्स से भी ज्यादा एफिनिटी रखती है, ज्यादा एफिनिटी हीमोग्लोबिन से, ठीक बात है, तो फिर तो ऐसे में उसका दम घुटने लगेगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में हीमोग्लोबिन की जो बॉन्डिंग है वो रिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल परमानेंट बॉन्डिंग है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्ब एमिनो CO2 के जुड़े, CO2 के साथ, तो ये रिवर्सिबल नहीं है, जैसा कि आपने कहा, इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन के साथ परमानेंटली जुड़ गया, और उसने कंपटीशन किया ऑक्सीजन के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने के लिए, इसमें जीत गया, ये जीत गया, क्योंकि एफिनिटी इसकी ज्यादा है, परमानेंटली हीमोग्लोबिन को गायब कर गया भैया, ठीक है, तो देखते हैं ऐसा ऑप्शन, CO रिएक्ट विद O2, नहीं, हीमोग्लोबिन कंबाइंड विद CO इंस्टेड ऑफ O2, क्योंकि कंपटीशन में ये जो है इससे सुपीरियर है, मोर एफिनिटी, जी जी, एंड द प्रोडक्ट कैन नॉट डिसोसिएट, बिल्कुल परमानेंट प्रोडक्ट बनता है, यहां पर रिवर्सिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट चला जाएगा, क्यों, हां। 35, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत, रेस्पिरेटरी पिगमेंट आर कलर्ड पिगमेंट, ठीक बात है, कलर ही होते हैं, जब भी ऑक्सीजन जुड़ते हैं कलर चेंज होता है, बिल्कुल, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हैव स्पेशल एफिनिटी फॉर रेस्पिरेटरी गैसेस, ये बात भी ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट आर कलर्ड प्रोटीन विच कंटेन मेटेलिक आयन, होता है, मेटल होता है, जैसे आयरन है, कॉपर है ना, बिल्कुल बिल्कुल, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट मे या मे नॉट प्रेजेंट, मे तो होता ही, तो ये मे नॉट नहीं आना चाहिए था यहाँ पर, तो अपना इनकरेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4, 36, जी सर, कंपैरिजन बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 एंड O2 अक्रॉस द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, तो अपन बात कर चुके कि CO2 इज मोर सॉल्युबल कंपेयर्ड टू 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल, 5 टाइम है, ठीक है, ये देखना है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम हाई, हाई हो जाएगा, सीधा सा यही अपने का पूछा है, जी, 37 ये पहले भी डिस्कस अपन कर चुके थे, 36 को, विच स्टेटमेंट डिफाइन फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इसका मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में फेफड़ों में कितनी बच गई, तो एक तो वो बच गई जिसे अपन ने प्राणवायु जान कहा, आरवी जो कभी भी नहीं निकल सकता, आरवी जो कभी भी, और एक दो फोर्सफुली एक्सपायर्ड कर सकते हैं, इसका मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में फेफड़ों में रह जाती है, एक तो कौन सी सर, आरवी, और एक रह जाती है ईआरवी, और ये दोनों क्या कहलाते हैं, एफआरसी कहलाते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, ना क्योंकि ये वाला परफेक्ट हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, बिल्कुल अभी अभी डेफिनेशन मैंने यही बताई थी आपको, तो सेकंड ऑप्शन चला जाएगा, 38, व्हेन P50 वैल्यू ऑफ HB इंक्रीज, ओके, P50 वैल्यू सुनील जी इंक्रीज हो रही है ना, इसका मतलब सेलुलर O2 डिमांड जो है वो बढ़ रही है, बिल्कुल, और बढ़ रही है इसका मतलब जो कर्व है वो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, बिल्कुल, और इस वजह से जो है वो हीमोग्लोबिन को काफी एफर्ट लगाना पड़ेगा 50% सैचुरेट होने के लिए, ठीक है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है, तो ना बहुत ज्यादा पार्शियल प्रेशर जब होगा तब जाकर के वो 50% सैचुरेटेड हो पाएगा, है ना, तो ये लास्ट सेक्शन में अपन ने बताया भी था, ये वाला तो सिग्मोइड कर्व है, जी, ये ग्रीन वाला राइट शिफ्ट है, ये वाला लेफ्ट शिफ्ट है, तो याद रखना ये वाला शिफ्ट कौन सा कहला गया, राइट शिफ्ट, ये राइट है, और ये वाला कौन सा कहला गया, लेफ्ट कहला गया, ठीक है, इस तरफ तो फिर सुनील जी P50 वैल्यू जो है वो बढ़ेगी, बिल्कुल, और उस तरफ घटेगी, हाँ, तो एक बार बच्चों को मैं थोड़ा सा और बता दूं, ये P50 वैल्यू क्या है, जी, ये ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर है जिस पर 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाते हैं,
इसका मतलब 50% हीमोग्लोबिन, ये जैसे यहाँ पर 100% है तो ये 50% हो गया। अब ये 50% हीमोग्लोबिन नॉर्मल कर्व में यहाँ सेचुरेट हुआ और ये प्रेशर कितना कहलाता है, 27 कहलाता है, 25 से 30 के बीच हो जाता है तो 27 ये बन जाता है। ठीक है, अब यतेंद्र सर राइट शिफ्ट हो जाता है, राइट शिफ्ट का मतलब टिश्यू साइड जहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, बिल्कुल, और लेफ्ट शिफ्ट का मतलब एल्वियोलाई। जी तो बच्चों यहाँ थोड़ा सा गौर करना आप, अगर ये राइट शिफ्ट हो गया तो राइट शिफ्ट का मतलब, तो P50 का मतलब एक ही चीज याद रखना, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की जरूरत कितनी है। अब इधर की बात करें तो ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर बढ़ गया ना जिस पर 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रहे हैं, इसका मतलब डिमांड बढ़ गई और ऑक्सीजन की डिमांड कहां बढ़ती है, टिश्यू साइट पर, तो राइट शिफ्ट का मतलब टिश्यू साइट आ गया अपना, यानी P50 वैल्यू बढ़ जाएगी। और दूसरी ओर यतेंद्र सर यही बात कर लूं मैं कि ये जो लेफ्ट शिफ्ट हुआ है ना रेड वाला, अगर यही बात कर लूं तो यहां आप देखें केवल इतने ही ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो गया, डिमांड कम है, इसका मतलब डिमांड कम है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है और ऐसा कहां होता है एल्वियोलाई रीजन पर, उस तरफ P50 वैल्यू डिक्रीज, बिल्कुल बिल्कुल इधर बढ़ जाएगी। तो व्हेन P50 वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन इज इंक्रीज्ड यूनियन ऑफ O2 विद, अब P50 अगर बढ़ा मतलब डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ी इसका मतलब टिश्यू साइट, और टिश्यू साइट का मतलब यूनियन ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन नहीं होगा, ये तो डिसोसिएट होगा, इसका मतलब डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना भैया इसको। ठीक है, तो ये देखिए सर 39। जी सर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, कोई नॉन कोडेड देख रहे हैं, क्रैब्स जो है उसमें तो गिल्स होते हैं, गिल्स होते हैं, फिश में भी गिल्स हैं, गिल्स हैं, अर्थवर्म जो है वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है, स्किन ही वर्क करती है, इसमें ट्रैकियल सिस्टम है, तो आंसर हो जाएगा अर्थवर्म, तो मोस्ट क्यूटिकल के द्वारा रेस्पिरेशन यहाँ देखा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है यतेंद्र सर, क्वेश्चन नंबर 14। जी, मार्क द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग डिफ्यूजन ऑफ CO2 फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोलाई, ब्लड टू एल्वियोलाई, ये अभी अपन ने बच्चों को डायग्राम एक दिखाया भी था कि ये तो एल्वियोलाई होगी यतेंद्र सर, ठीक है, ये अपनी ब्लड कैपिलरी कहलाएगी, पल्मोनरी कैपिलरी, ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरी की ये वाली लेयर तो क्या बन गई अपनी, एंडोथेलियम, और ये इसकी बन जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्यों, और इधर ये एल्वियोलाई की स्क्वामस, और इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसकी भी ये क्या बन जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये बीच में क्या रह जाता है इंटरसेलुलर स्पेस, इधर से इधर देखना है अपने को, कहां से कहां पूछ रहा है, डिफ्यूजन ऑफ CO2 फ्रॉम ब्लड, ब्लड से एल्वियोलाई, इसका मतलब ब्लड की आनी चाहिए एंडो, एंडोथेलियम, फिर एंडो के बाद बेसमेंट, उसके बाद इंटरस्टीशियल, फिर बेसमेंट किसकी, स्क्वामस की, और फिर स्क्वामस, तो ऐसा ऑप्शन देखें, एल्वियोलर एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन, नहीं ये तो अपना 5 आएगा, सबसे लास्ट आएगा, लास्ट वाला है, ठीक है, तो ये तो कौन सा हो जाएगा, ई, और इसके बाद आ जाएगा कैपिलरी एंडोथेलियल मेम्ब्रेन, तो सबसे पहले तो अपने कैपिलरी एंडोथेलियल मेम्ब्रेन आनी चाहिए, तो ना पहले इसका मतलब बी, पहले बी आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा अपना कौन सा बेसमेंट मेम्ब्रेन कैपिलरी, तो ई आ जाएगा, ई के बाद में इंटरस्टीशियल आ जाएगा, तो सी आ जाएगा, सी के बाद में बेसमेंट मेम्ब्रेन एल्वियोलर की ए आ जाएगा, और बी ई सी ए, और लास्ट में कौन सा बन गया, डी वाला बच जाता है, तो लास्ट आ जाएगा डी, ऐसा ऑप्शन देख लें, बी ई सी ए डी, सी ए डी ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। अगर यही सुनील जी एल्वियोलाई टू ब्लड होता और वो ऑक्सीजन के लिए बात करते, फिर ऑक्सीजन के लिए इसका उल्टा हो जाता है, बिल्कुल। तो NCERT ने 3 मेल लेयर यहाँ पर दी हैं, ठीक है, और अगर ऑप्शन में 3 नहीं मिले तो फिर भैया ऑप्शन आपको 5 मिलेगा यहाँ पर, फिर ऑप्शन 5 मिलेगा, क्यों, तो ये आज का लेक्चर इतने सर यहीं कंप्लीट होता है, आज का थोड़ा बहुत लेंदी था लेकिन इंटरेस्टिंग काफी था, क्योंकि हमने जो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई है, आप मानकर चले डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल भी अगर बनता है ना यहाँ से, तो वो क्वेश्चन भी आप सॉल्व आउट कर जाओगे, यानी फर्स्ट में थोड़े सिंपल क्वेश्चन थे, इसमें थोड़ी थोड़ी लेंदी है, बाकी रखे NCERT के आसपास ही, बिल्कुल बिल्कुल, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ओके, थैंक यू जयसील जी।